विपक्ष ने अपनी सेना बुलाई तो मैंने भी अपनी 64 योगिनियों को प्रस्तुत किया। तो माता, क्या यही आपका छिन्नमस्ता स्वरूप था? अभी मेरे छिन्नमस्ता स्वरूप ने पूर्णता कहाँ प्राप्त की थी? पूर्णता अर्थात माता, शक्तिशाली है ये देवी, मायावी है, किंतु मैं इसका वध अवश्य करूंगा, अवश्य। एकाक्ष, तू अपने लोक में ही रहता, स्वर्ग लोक का लोभ नहीं करता, देवताओं को प्रताड़ित नहीं करता, तो ये सब नहीं होता। अभी भी समय है, जा अपने लोक लौट जा, तेरे लोक में कोई कमी नहीं है। पृथ्वी लोक के ऋषि और मुनियों के समान, देवलोक के देवताओं के समान, असुरों में भी अपना लोक संभालने का सामर्थ्य है। तेरे पूर्वज दारुख ने भी एक बहुत बड़ा अपराध किया था, किंतु उसकी पत्नी दारुका के कारण उसे एक नवीन जीवन प्राप्त हुआ। ये है एक स्त्री की शक्ति, इसीलिए अब स्त्रियों पर अत्याचार मत कर, जा अपने लोक लौट जा और वहां जाकर अपने मस्तिष्क, अपने जीवन को तपस्या से सींच। ऐसी स्थिति में कोई भी यही करता जो अपराध किए हैं उसका प्राश्चित करता, किंतु एकाक्ष का अहंकार अभी भी उसकी बुद्धि पर छाया हुआ था। अहंकार के मद में इतना चूर था वो कि क्षमा याचना का विचार भी उसके मन में नहीं था। तो फिर क्या किया उसने? एकाक्ष ने अपनी असुर सेना का आवाहन किया, सब घटित हो जाने के पश्चात भी वो माता से युद्ध करना चाहता था और इसके लिए उसने अपनी सेना भी बुला ली। बहुत बहुत धन्यवाद इस मार्गदर्शन के लिए देवी। असुर सम्राट, एकाक्ष को किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, वो भी एक स्त्री से कदापि नहीं। माता ने जो इसे अवसर दिया है उसे भी कवा रहा है ये दुष्ट। मार्गदर्शन तो अब मैं कराऊंगा तुम्हें, मैं। नहीं, अब पुनः इसकी भयंकर कीट असुर सेना प्रस्तुत होगी, कला भी नहीं।
क्या हुआ दे? मेरे इन कीट असुरों को देखकर तब रह गई ना? क्या सोचा था तुमने देवे कि मैं असुर सम्राट एकाक्ष मात्र दो असुरों के साथ तुम्हारे समक्ष आया हूं? देखो मेरी संपूर्ण सेना है मेरे साथ, संपूर्ण सेना। अब क्या करोगे तुम देवे? मेरी असुर सेना मेरे एक संकेत पर तुम्हारा और तुम्हारे सिंह का भक्षण करेगी, भक्षण। कहो देवी, क्या करूं अब मैं? तुम्हें प्रवचन सुनाऊं? जहां से भी आई हो वापस लौट जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी भूल सुधारने का अवसर देता हूं। जाओ, अथवा यही अंत कर दूंगा तुम्हारा, यही। बोलो देवे, क्या चाहती हो तुम? बोलो। एकाक्ष ने अपनी कीट असुरों की सेना को बुला लिया। एकाक्ष ने अपनी सेना बुलाई तो मैंने अपनी 64 योगिनियों को प्रस्तुत किया। माता की सेना? अन्य देवियों को उत्पन्न कर रही है। शीघ्र अंत करना होगा इस देवी का। बाराही। काल रात्रि छिन्मस्तिका महालक्ष्मी क्षेमं करी वानरमुखी यक्षिणी कामिनी विंदुवासिनी काली उमा चामुंडा धुमावती स्तुति अदिति नारायणी वायुवीणा पूर्ति माता ने अपनी 64 योगिनियों का आवाहन किया जो अपने विकराल रूप में यहाँ उपस्थित है। देवी अनेकों देवी बन गई। कोई बात नहीं, मैं इन सबका वध करूंगा, सबका। अरे रुक क्यों गई देवी? तुमने मात्र 64 स्त्रियां उत्पन्न की है, ये सामना करेंगी मेरी सहस्रो शक्तिशाली असुर सेना का। तेरी सेना? क्या है तेरी सेना? यदि मेरी समस्त योगिनियां संहार करें तो एक पल में समस्त सृष्टि को मिटा सकती है। देखना चाहता है तू इनकी संहारक शक्ति? बस बहुत हो गया, अब इस क्रीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। अंत। मेरे असुरों, देखो जो कहा था वही किया मैंने।
तुम्हें स्वर्ग लोक में उत्तम जीवन का वचन दिया था मैंने, वो प्रस्तुत है तुम्हारे समक्ष। देखो, मैं तुम्हें और स्त्रियां दे रहा हूँ तुम्हारे भक्षण के लिए, और वो भी कोई असुरी राक्षसी स्त्रियां नहीं, देवियां दे रहा हूँ, देवियां। आरंभ करो, अपना भोज आरंभ करो, और उस देवी को मेरे आहार के लिए सुरक्षित रखना मत भूलना। जाओ। इतनी विशाल काय कैसे हो गई? मेरे असुरों को इतनी सहजता से नष्ट कर रही है ये? असुरों का ऐसा विनाश, वो भी इन देवियों के हाथों? ये संभव नहीं है, संभव नहीं है ये। नहीं, ये देवियां मुझे पराजित नहीं कर सकती, कदापि नहीं। जो स्त्री की शक्ति को कम आंकता है उसका यही परिणाम होता है। हमारी दुर्बलता है ये राक्षसियां, भूल जाएंगी आदिशक्ति की भक्ति करना, और वैसे भी अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा दुष्ट असुर। नहीं, कदापि नहीं। इन देवियों की श्रोत तुम, मैं तुम्हारा अंत करूंगा तुम्हारा, और मैं विजयी होऊंगा, विजयी। योगिनियों का आहार बनेगा। रक्तपान! हाँ!
ज्ञात नहीं, तुम सब अपना आकार छोटा करके क्या सिद्ध करना चाहती हो? तुम सभी को अपने पांव के नीचे कुचलने में बहुत आनंद आएगा मुझे। इस संघार का कारण तू है। तू अपने लोक में तूने अपनी स्त्रियों का संघार किया था ना? तेरे असुरों ने उन्हें अपना आहार बनाया था। अपने असुरों को पथ भ्रष्ट करने के लिए प्रेरित किया था तूने। ये जो रक्त बहा है वो तेरे कारण हुआ है एकाक्ष, तेरे कारण। दूसरों के कष्ट का कारण बनकर तू सुरक्षित कैसे बच सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तूने जो किया वो अक्षम्य है। नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुष्टों की दुष्टता का अंत भयानक ही होता है। माता, आपने एकाक्ष का वध किया। आपकी 64 योगिनियों ने उस पापी की सेना का अंत किया। तो माता, क्या यही आपका छिन्नमस्ता स्वरूप था? प्रथम पूज्य गणेश जी, हम देवताओं ने भी ऐसा भयानक युद्ध और ऐसा संहार कभी नहीं देखा था। किंतु उसके बाद जो हुआ, क्या हुआ देवराजन? क्या हुआ था उसके बाद? अभी मेरे छिन्नमस्ता स्वरूप ने पूर्णता कहाँ प्राप्त की थी? पूर्णता अर्थात माता? रक्त की पिपासा बहुत भयंकर होती, वो कभी नहीं मिटती है। असुरों का रक्त पान करने के बाद भी मेरी योगिनियों की पिपासा अभी शांत नहीं हुई थी, वो तो और बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे और रक्त मांग रही थी। और रक्त माता? तो किसका रक्त दिया आपने उन्हें? रक्त दीजिए माता, दीजिए माता, रक्त दीजिए, रक्त दीजिए, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए माता, रक्त दीजिए, कृपया रक्त दीजिए माता, हमें रक्त दीजिए, हमें और रक्त चाहिए माता, हमारे रक्त पर पैसा पूछे नहीं है, हमें और रक्त चाहिए, रक्त दीजिए माता, रक्त चाहती है और रक्त चाहती है योगिनी।
बच्चा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो वो सर्वत्र संहार करेंगे। हम किंतु असुर शेष नहीं रहे, उनकी ये मार का पान करें हम। किंतु असुर शेष नहीं रहे, रक्त चाहिए माता। हम भूखी हैं माता, भूखी हैं हम। हमारी भूख मिटाइए माता। समस्त संसार को मैं भोजन प्रदान करती हूँ, फिर तुम सभी को भूखा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ मेरी योगिनियों? भूखी हैं हम। माता हूँ मैं तुम सभी की, तुम सभी की भूख मिटाने के लिए, तुम सभी के आहार के लिए मैं तुम सभी को अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी, अपना रक्त दूंगी। अपना रक्त देंगी माता। शीश को अपने तन से विलग कर दिया। कितनी अद्भुत है माता की लीला। अपनी योगिनियों की तृष्णा को शांत करने के लिए वो स्वयं अपना ही रक्त बहा रही। जय मां छिन्नमस्ता। मैं ही संसार को भोजन देती और मैं ही उसका भक्षण भी करती। शक्ति के शीश विहीन होने पर महादेव भी अपने शीश रहित कबंध रूप में प्रकट होते और देवी छिन्नमस्ता के साथ कबंध रूप में रहते। आप महान हैं माता, दया की सागर हैं आप। देव, असुर, मानव, जो भी निष्कपट भाव से आपकी सच्ची पूजा करता है उसे आप अपनी कृपा का आशीष देती हैं, वरदान देती हैं उसे आप। और जब कोई अपनी सीमा का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित भी करती हैं आप। अपनी संतानों के भरण पोषण के लिए आपने अपने ही शीश को त्याग दिया माता। माँ, सृष्टि की रचयिता हैं आप, सब कुछ आपसे ही जन्मा है। आप ही सबकी पालनहार हैं, सृष्टि के संतुलन को स्थापित रखकर उसकी रक्षा भी आप ही करती हैं माता। माता, आपका प्रत्येक स्वरूप, आपकी शक्ति और आपकी लीला का अद्भुत अनुपम उदाहरण है। अब हमें अपनी माता छिन्नमस्ता के स्वरूप की महिमा और उसका फल बताने की भी कृपा कीजिए। मेरे इस रूप की कृपा से मेरे भक्तों को समूह स्तंभन की शक्ति प्राप्त होती और उसके शत्रु समूल नष्ट हो जाते। प्रत्येक संघर्ष में उसे विजय प्राप्त होती और साथ ही उसे राजयोग भी प्राप्त होता है। ना हो शुद्ध सरोज वक्त्र विलसत् पांथुक पुष्पारुणम् भास्वद भास्कर मंडलम् तदुदरे तद्योनि चक्रम् महत् तन्मध्ये विपरीत मैथुन रत प्रद्युम्न सत्कामिनी
पृष्ठ स्थान तरुणार्क कोटि विलसत् तेज स्वरूपां भजे। प्रणाम माता। मुझे अनुमति है ना माता कि मैं अपना प्रश्न आपसे पूछ सकूं? पूछो अपना प्रश्न। माता, आपके द्वारा त्रिदेवों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, उसमें आपने जल, पृथ्वी, सूर्य और 14 भुवनों का सृजन किया। तत्पश्चात 84 लाख योनियों को आपने जीवन भी दिया और तब प्रजनन के माध्यम से जीवों को संतान भी होने लगे। इसके उपरांत आपके द्वारा सृष्टि की रचना का कार्य पूर्ण हो गया होगा ना माता? कार्य पूर्ण हो गया? बताओ मुझे गणेश, क्या है जीवन का चक्र, कैसे पूर्ण होता है वो? माता, सर्वप्रथम जन्म, फिर जीवन और फिर मृत्यु, यही जीवन का चक्र है। उत्तम उत्तम उत्तर है तुम्हारा और उसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी निहित है। सुनो, जीव अब संतानों को जन्म दे रहे थे, जीवों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी। इसीलिए प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न होने लगा और इसीलिए मेरे दूसरे अवतार के अवतरित होने के लिए ये आवश्यक हो गया। किंतु माता, प्रकृति के संतुलन के लिए जीवों की मृत्यु का होना भी तो आवश्यक था। हाँ, इसीलिए जब तक जन, जीवन और मृत्यु का चक्र पूर्ण रूप से स्थापित नहीं होता, मेरा कार्य कहाँ पूर्ण हो सकता है। हाँ माता, किंतु माता, फिर सृष्टि पर जीवन चक्र, पृथ्वी पर प्रकृति का संतुलन कैसे स्थापित हुआ? यही प्रश्न देवताओं के मन में भी उत्पन्न हुआ था। किसी का उत्तर पाने वो ब्रह्मदेव के पास गए और फिर प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर यदि इसी प्रकार जीवों का जन्म होता रहा तो उनके अंत की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। वहां जीवन के सभी साधन जैसे भोजन, जल, वायु सभी अपर्याप्त हो जाएंगे, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। और प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो घोर अनिष्ट होगा। कृपया करके आप ही कोई समाधान सुझाकर इस समस्या का निदान कीजिए प्रभु। देवगण, आपकी चिंता सर्वथा उचित है, किंतु इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई बड़ा कारण अवश्य होता है। जब देवी श्री महाकाली ने संसार के जीवों को प्रजनन क्षमता प्रदान की तो उन्हें भी इस परिस्थिति का पूर्वानुमान अवश्य होगा। इसका हल पाने के लिए हमें देवी श्री महाकाली की प्रार्थना कर उनसे हमारे मार्गदर्शन की गुहार लगानी चाहिए। ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघात्र शूलम भुशुंडिम शिरः शंखम संदधतिम करे स्त्री नयनाम सर्वांग भूषावृतां नीलाश्वतुतिमास्य पाद दशकां सेवे महाकालिकां
यामस्तो व्यस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अचानक यहाँ इतना अंधकार कैसे छा गया? प्रणाम देवी। मृत्यु 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 है आपकी समस्या का समाधान। 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 जीवन और मृत्यु का चक्र प्रकृति के संतुलन के लिए आवश्यक है, इसलिए ईश्वर ने ये विधान बनाया है। अब मैं उस विशेष लोक की रचना करूंगी जहाँ जीवन के उपरांत आत्माओं का वास होगा, किंतु उससे मृत्यु की व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई थी। उसके लिए एक काल देवता की आवश्यकता थी और जो जीवों की आत्माओं को बंदी बनाए उस पाश की आवश्यकता थी। अगले हफ्ते देखिए महाकाली के माँ भैरवी अवतार से जुड़ी कहानी।